दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। रायपुर में 27 जून से मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जहां मुख्यमंत्री निवास में शिकायत और समस्या लेकर के लोग पहुंचेंगे और समय भी इसके लिए तय कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब सीधे जनता की समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जहां 27 जून की इसकी शुरुआत होगी। ये जनदर्शन साप्ताहिक होगा और हर गुरुवार को मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर इसे आयोजित किया जाएगा। लोग यहां आकर सीएम साय से अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। अधिकारियों को इसके लेकर तैयारी करने को कहा गया है। इस जनदर्शन में अलग अलग विभागों से जुड़े अफसर होंगे। लोगों की समस्याओं और शिकायतों के हिसाब से उसी समय सीएम अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास में व्यवस्थाएं की जा रही है। हर सप्ताह गुरुवार को दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये दर्शन जनदर्शन चलने वाला है। यहां आम लोगों को सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एंट्री दी जाएगी। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां 26 जुलाई तक सदन की कार्यवाही चलने वाली है। 22 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां 26 जुलाई तक बात करें तो कुल 5 बैठकें होनी प्रस्तावित हैं। इसे लेकर बीते दिन विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके पहले विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। अब आधिकारिक सूचना में इसे 26 जुलाई कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय के अफसर अब सत्र की तैयारी में जुट चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बलौदा बाजार कांड, ब्रजमोहन के इस्तीफे, खाद बीज के संकट, प्रदेश में रेत के अवैध खनन, कानून व्यवस्था, आरंग में हुए मॉब लिंचिंग जैसे मामलों पर विपक्ष हमलावर होगा और इस सत्र में मुख्यमंत्री साय कुछ खास ऐलान भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट 245 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक का है। ऐसे में 52,497 वर्ग मीटर में बनने वाले इस भवन में विधायकों की बैठक क्षमता के अनुरूप सदन, अध्यक्षीय अधिकारी, प्रतिष्ठित दर्शक, पत्रकार और दर्शक दीर्घा भी बनाया जा रहा है। नीट परीक्षा विवाद को लेकर टॉर्च लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। रायपुर निगम गार्डन से बीजेपी कार्यालय तक यहां मार्च निकाला गया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का विवाद अब दिल्ली से लेकर रायपुर तक जारी है, जहां छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने बीते दिन टॉर्च लेकर के प्रदर्शन किया, जहां निगम गार्डन से लेकर बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर की ओर निकले। NSUI यूथ कांग्रेस लगातार परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाकर इसे रद्द करने और कड़ी कार्यवाही करने की मांग कर रही है। युवा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि नीट घोटाले में दोषियों को ढूंढने के लिए टॉर्च रैली निकाली गई है। इस बीच भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ TET एग्जाम को भी रद्द करने की मांग की है। 23 जून को हुई इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी हुई थी, जिसे प्रमुखता से उजागर होने दिया गया था। 1 जुलाई से मोबाइल और ईमेल के माध्यम से FIR दर्ज होगी, जहां 3 दिन में साइन करना जरूरी होगा। देश के किसी भी थाने से FIR अब कराई जा सकती है। दरअसल देश में कानून में आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से कानून में जो नए प्रावधान होने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम FIR दर्ज करने की प्रक्रिया है। नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा, पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी। इसी के साथ ही जरूर ये है कि प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को 3 दिन में थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज FIR में साइन करना होगा। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट की घटना के कई दिन बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती और पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। नए प्रावधान से ऐसी शिकायतें अब दूर होने वाली हैं और अब बात करें तो मामला लंबा नहीं खिंचेगा। 14 दिन में DSP को इसके लिए पड़ताल भी करनी होगी। दरअसल FIR दर्ज कराने में लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत 1 जुलाई से दूर हो जाएगी, जहां फोन पर शिकायत करते ही पुलिस को फौरन केस दर्ज करना होगा। और यही नहीं, कोई भी पीड़ित देश के किसी भी थाने में किसी भी कोने में हुई घटना की रिपोर्ट कभी भी किसी भी दूसरे राज्यों में पहुंचकर करवा सकता है। बजट को लेकर वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन देने पर भी चर्चा हो चुकी है। दिल्ली दौरे से लौटे वित्त मंत्री OP चौधरी ने बजट को लेकर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने 2047 विकसित भारत की बुनियाद रखने वाला बजट ऐतिहासिक होगा करार दिया। छत्तीसगढ़ को आधारभूत संरचना और अन्य क्षेत्रों में बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस पर विशेष चर्चा हुई है, जहां ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन देने
पर भी चर्चा हुई। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से विशेष आग्रह किया गया है। मंत्री चौधरी ने कहा कि पार्ट टू में ग्रीन फील्ड सिटी को जोड़ने की कवायद भी की गई है। डीएमएफ में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी क्षेत्र को रिडिफाइन करने का आग्रह किया गया है। आने वाले समय में भी अलग अलग विषयों को उनके सामने रखते रहेंगे। वहीं नवाचार आयोग राज्य सरकार बंद करेगी। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के गलत एजेंडे के तहत कई चीजों को रखा गया था। सीएम के नेतृत्व में सभी की पुनर्समीक्षा चल रही है और मुख्यमंत्री साय के साथ चर्चा परिचर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म अपनाने पर झगड़ा हो गया, फिर हत्या हो गई। महिला का शव अब जो है दफनाने भी नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। दंतेवाड़ा में जमीन विवाद में रिश्तेदारों ने एक महिला की हत्या कर दी और अब उसका शव दफनाने नहीं दिया जा रहा है। महिला और उसके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था और इस बात को लेकर रिश्तेदार पैतृक जमीन पर खेती भी नहीं करने दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक कटे कल्याण क्षेत्र के तोयलंका निवासी बिंदु सोढ़ी बीते दिन अपनी जमीन पर खेती किसानी का काम कर रही थी और इस बीच परिवार के कुछ लोग गांव वालों के साथ पहुंच गए। उन्होंने बिंदु और इसके परिवार को खेती करने से मना किया और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बीते दिन जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में बात इतनी बढ़ गई कि रिश्तेदारों ने बिंदु पर कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों और लाठी से हमला कर दिया। वहीं बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सबको दफनाने के लिए गांव ले जाना चाहते थे परिजन, लेकिन वहां तनाव का माहौल बन गया है। बीजेपी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की सरकार चलाएंगे। बिलासपुर में डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि पुलिस को अनुचित कामों में लगाने की प्रक्रिया खत्म की जाएगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर में कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की इस सरकार को भाजपा के कार्यकर्ता चलाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनसेवा के कार्य में लगे हुए हैं। सरकार कैसी चलनी चाहिए ये उन्हें तय करना है। उन्होंने कहा कि अब पिछले सरकार की तरह पुलिस को अनुचित कामों में लगाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। प्रदेश में अब केवल पुलिसिंग पर ध्यान दे रही है। सरकार की स्पष्ट सोच है कि पुलिस को देखते ही दुर्जनों के मन में भय और सज्जनों के मन में शांति और प्रसन्नता आनी चाहिए। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर इन्होंने अपना जो है उपस्थिति दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, इसे कौन चलाएगा? क्या इस सरकार को नेता और कैबिनेट चलाएगा? ऐसा नहीं है, सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर के NSUI के विधानसभा अध्यक्ष समेत कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लूट का मोबाइल भी इनसे बरामद हुआ है, जहां 13 अलग अलग थानों में FIR की गई है और अब तक 145 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा के मामले में पुलिस ने NSUI के विधानसभा अध्यक्ष समेत कुल 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 जून को आगजनी के दौरान NSUI विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा पर तोड़फोड़ करने का आरोप है। वह इस दौरान किसी का मोबाइल लूटकर भी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का मोबाइल भी बरामद किया है। वीडियो फोटो CCTV फुटेज में तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं मामले में अब तक 13 अलग अलग थाने में FIR दर्ज की गई है और कुल 145 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 21 जून को हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसी ने बवाल के दौरान संयुक्त कार्यालय में 10 जून को तिरंगा फहराने वाले पोल पर सफेद ध्वज फहराया हुआ था। छत्तीसगढ़ में युवाओं को नौकरी के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्लेसमेंट कैंप में 6158 पदों पर भर्ती होगी। 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट अब अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पास कर चुके युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आया है, क्योंकि 27 जून को लखीराम ऑडिटोरियम भवन में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें फाइनेंस, ITI, कंप्यूटर, फायर एंड सेफ्टी समेत कुल मिलाकर 27 कंपनियों से संबंधित तकरीबन 6158 पदों पर भर्ती होगी। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित किए गए इस मेगा प्लेसमेंट कैंप में कंपनियों की तरफ से तत्काल ऑफर लेटर दिया जाएगा। वहीं भर्ती के लिए प्रदेश भर के इच्छुक आवेदक अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ सम्मिलित हो सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में प्रोफेसरों के 595 पद समेत 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक अच्छी खबर आ रही है, जहां कॉलेजों में जल्द ही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत विभिन्न पदों पर तकरीबन 3000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार ऐसा होगा जब प्रदेश में प्रोफेसरों के 595 पदों पर सीधी भर्ती होगी। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन तो जारी किया गया, मगर विवादों के कारण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर के 2160, प्रोफेसर के 595, ग्रंथपाल के 130 और खेल अधिकारी के 130 पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। इन पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश में कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, मगर समय पर भर्ती नहीं होने से स्थिति बेहद खराब है। बता दें कि प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में स्थानीय व राज्य के बाहर के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में 240 ई बसें चलाने का प्रस्ताव है, और वहीं बात करें रायपुर में 100 तो वहीं कोरबा में 40 और भिलाई में, जबकि बिलासपुर में 50-50 बसें चलाने की मंजूरी छत्तीसगढ़ सरकार को मिल चुकी है। रायपुर और दुर्ग में पीएम ई बस सेवा के लिए ई चार्जिंग पॉइंट बनाने की तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ में 240 ई बसों को चलाने की स्वीकृति महुआ दिल्ली ने दी है। इसमें रायपुर में 100, दुर्ग भिलाई में और बिलासपुर में 50-50 जबकि कोरबा में 40 बसें चलाने के स्वीकृति मिल चुकी है, और सभी स्थानों पर केंद्र सरकार के फंड से चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। सर्विसिंग सेंटर बस टर्मिनल का कार्यालय बनेगा, वहीं इसमें चार्जिंग पॉइंट्स से लेकर सभी इलेक्ट्रिकल कार्यों के व्यवभार केंद्र और सिविल वर्क के लिए केंद्र से 70 और राज्य सरकार से 30% का अंशदान रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि महुआ की स्टेट कोऑर्डिनेटर एकता कपूर ने बताया कि राज्य के 5 शहरों में 240 पीएमई बस सर्विस शुरू करने की स्वीकृति महुआ ने दी है। ई बस शुरू करने के पूर्व ई चार्जिंग पॉइंट, सर्विसिंग सेंटर, कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव मंगाए जा चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करनी चाहिए। अभ्यर्थियों को देरी से प्रश्न पत्र दिया गया, उत्तर पुस्तिका दी गई, सीएम साय को इस बाबत इन्होंने पत्र भी लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द करने की मांग की है, जहां उन्होंने कहा कि अभी पूरे देश में नीट और यूजीसी नेट को लेकर चर्चा हो रही है, तो वही बहुत सी गड़बड़ियां हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा के झज्जर में 67 बच्चों ने पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि परीक्षा केंद्र में पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि भखारा में देरी से उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बांटे गए, और यही नहीं, 4000 छात्रों के लिए केवल 160 ओएमआर सीट रखी गई थी। 1.5 घंटे देरी से इन अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट वितरित की गई थी। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि ये उन अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, सभी की दोबारा परीक्षा कराई जाए, इसकी जाँच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए, और हम सब इन पर बोनस नहीं दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी इन्होंने इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। लोकसभा में आज़ादी के बाद पहली बार स्पीकर का चुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मजबूत विपक्ष की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मान्य नियमों का पालन नहीं कर रहे, यह बीजेपी की सरकार ही नहीं, मोदी 3.0 भी नहीं है, यह फिर से तानाशाही रवैया अपना रही है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां लड़कियों ने शराब दुकान के मैनेजर को पीट दिया, कपड़े फाड़ दिए, फेंके, और जो है यहां पर पत्थर और खाली बोतलें इनके ऊपर फेंक दी गई। बात करें तो यहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ लड़कियों ने शराब की दुकानों में पथराव कर दिया। दुकान के मैनेजर ने बाहर निकलकर इसका विरोध किया तो लड़कियों ने उन पर हमला कर दिया, मैनेजर को डंडे से जमकर पीटा और उसके कपड़े फाड़ डाले गए। इसी के साथ ही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिंगराजपारा में सरकारी देसी शराब की दुकान है, जहां सोमवार की रात कुछ लड़कों के साथ लड़कियां पहुंची थी, जिन्होंने शराब दुकान में पत्थर और खाली बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी, और यह देख कर के दुकान मैनेजर बाहर निकला और विरोध जताने लगा, जहां मैनेजर के ऊपर जो है डंडे और पिटाई से इनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। मध्य प्रदेश के जंगल से छत्तीसगढ़ हाथी पहुंच चुका है। भरतपुर के गांव में ये हाथी घूमते हुए देखा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर जिले में मध्य प्रदेश से आया हाथी जनकपुर के मवई नदी के किनारे पहुंचा हुआ है। जंगली दंतैल हाथी को विचरण करते देख करके ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग को हाथी के आमद की जानकारी दे दी गई है। वन विभाग ने हाथी पर नजर बनाए हुए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर मुनादी कराकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा जंगलों से लगा हुआ है और यहां आए दिन वन्य प्राणियों का आना जाना लगा रहता है। हाथी विचरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है।